मुझे बहुत डर लग रहा है, आप प्लीज चले जाएं यहाँ से, प्लीज। ठीक है, लेकिन जो कुछ मैंने कहा कम से कम उसके बारे में एक बार जरूर सोच। तुम्हारा इंतजार करूं, मैं पैदा को भेज। आज मैंने रुखसार से शादी की बात की थी। अच्छा, लेकिन कब? जब आप फूफो के साथ लाउंज में बैठी हुई बातें कर रही थी तब। तो फिर क्या जवाब दिया रुखसार ने? बस यही कि मैंने उनसे शादी करने से क्यों इनकार कर दिया। लेकिन ये बात उसे अकेले में नहीं पूछनी चाहिए थी। यही तो मैंने उससे कहा, तुम्हारे पापा जान ही तुम्हें अकेले में देख लेते तो। इतना समझदार लड़का है, लेकिन बात करने से पहले उसने जरा नहीं सोचा। आप ठीक कह रही हैं अम्मी, लेकिन मैं रुखसार से खुद इस बारे में बात करना चाहती हूँ। फिर भी एहतियात करनी चाहिए, जाहिर किसी को कुछ कहने का मौका ना मिले। जी अम्मी, मुझे यकीन है कि एक दिन वो जरूर मान जाएगी। आपको ये इतना आसान लगता? आसानी से नहीं मानेगी। क्या कहा उसने तुमसे? जब तक मेरे मुकदमे का फैसला नहीं आ जाता शादी नहीं करूंगी। मैं मुंतजर रहूंगी अपने रब के इंसाफ की। लेकिन बेटा, मेरे माथे पर एक दाग है अम्मी, एक बदनुमा दाग। क्या चाहती है? कि आपकी बेटी अपने माथे पर ये दाग सजाए, इस घर से रुखसत हो जाए। लेकिन बेटा, हम सब जानते हैं कि वो बड़ी भाभी और अमार की साजिश थी। और मुझे यकीन है एक दिन वो लोग अपनी गलती का एतराफ जरूर करेंगे, इंशाअल्लाह। मुझे किसी बात की कोई फिक्र नहीं है अम्मी, लेकिन जब भी मैं अपने भाई की आंखों में अपने लिए बदगुमानी देखती हूँ ना, तो ऐसा लगता है जैसे जैसे कोई दिल चीर रहा हो मेरा। मुझे यकीन है एक दिन तुम्हारे माथे का ये दाग धुल के चांद बन के चमकेगा। आपको यकीन है अम्मी? हाँ, मुझे यकीन है, और ये एक माँ के दिल का यकीन है। क्या बात है, आज बहुत दिल से तैयार हो रही है। क्या ऐसा क्यों पूछ रहा? ऐसे यार, यूं ही पूछ रहा था। शिजा के साथ बाहर जा रही हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगी। ओके, मारुख, तुम्हारी ज्वेलरी कहाँ है? क्यों? क्योंकि मैं पूछ रहा हूँ। मम्मी के पास है और बाकी यहीं कहीं होगी। और मामा की ज्वेलरी? मामा की कौन सी ज्वेलरी? तुम्हारी अम्मी को परी में ज्वेलरी कम लग रही थी, सो मैंने मामा से कुछ ज्वेलरी मांगकर परी में रखी थी, वो ज्वेलरी। तो ये क्या, वो ज्वेलरी उन्हें वापस करनी है? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? वो ज्वेलरी तुम लोगों ने मुझे मेरी बरी में दी है, मैं क्यों वापस करूं? क्या हो गया यार तुम्हें?
और मैं मामा से ज्वेलरी यही कहकर लाया था कि उन्हें वापस कर दूंगा। अब उनसे क्या कहूंगा मैं क्या करूं? ये मेरा मसला नहीं है, मैंने तुमसे ऐसा कोई वादा नहीं किया। Come on, listen. Calm down and try to understand this. मामा नाराज हो जाएंगी। तो होती रहे, I don't care. मैं लेट हो रही हूँ। You don't care. मारो। चली गई तुम्हारी बीवी सुबह ही सुबह, उसका ससुराल में दिल नहीं लगता है क्या? अब रहने देना, वहां रहे यहाँ रहे क्या फर्क पड़ता है? क्यों फर्क नहीं पड़ता? ये शादी के बाद लड़कियां जब भाग भाग कर मैके जाती हैं, कोई अच्छी बात नहीं है, ठीक नहीं है ये। और वो लड़कियां जो परमानेंटली अपने मैके ही आके बैठ जाती हैं, उन्हें आप कुछ नहीं कहेंगे? तुमने मुझे फिर ताना दिया इस बात पे। इसका कसूर नहीं है कि अपनी बीवी की जबान बोल रहा है। माँ प्लीज, हर बात में मारुख को बीच में मत लेके आ जाया करें। क्यों बीच में ना लाऊं? हाँ, किस कदर बेवकूफ बनाया उन लोगों ने हमें। लाखों का जहेज, करोड़ों की जायदाद, है कहाँ वो सब? आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। आप हर वक्त इस बात की टेंशन ना लिया करें। कहाँ से आ जाएगा? हमें जहेज चाहिए था, इसी लालच में शादी की थी, वरना उस मारुख का अचार डालना था क्या? उसे तो बेहतर रुखसार ही थी, कम अज कम उसने घर तो संभाला हुआ था। इससे ही रट लगी हुई थी कि मारुख से शादी करूंगा। अच्छा, तुमने रट नहीं लगाई हुई थी? फैजी से शादी करूंगी, फैजी से शादी करूंगी। सुनो, मेरे मुंह मत लगना, समझे तुम? मेरे भी हर मामले में पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम तो जब से आई है ना इसका ख्याल ही रख रहे हैं, पर तुम्हें सिर्फ आग लगानी आती है। मैं आग लगा रही हूँ? अच्छा सारा, खामोश हो जाओ, इस हालत में इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। मैं गुस्सा करी? मामा आप एक कमाल करती हैं। अमार, तुम चलो अपने कमरे। क्यों, मैंने क्या किया? मैं तुमसे कह रही हूँ जाओ अपने कमरे में। खुश। और सारा मेरी एक बात सुनो बेटा, तुम्हारे लिए इतना गुस्सा ठीक नहीं है। आने दो इस मारुख को, इससे तो मैं खुद बात करूंगी ना। लाखों का जहेज, करोड़ों की जायदाद, भाई बहुत ही अजीब लोग हैं। गुस्सा करके ठंडे होकर बैठ जाते हैं, और वो अमार, उसे तो गुस्सा आता ही नहीं है, और जब आता भी है ना तो कभी गुस्सा करता है और कभी खुशामदे करने बैठ जाता है। माल की आस होगी ना अभी तक? भाई तुम जल्द से जल्द जान छुड़ाओ उन लोगों से, आगे हमें और भी बहुत से काम करने हैं। मालूम है मम्मी, कोशिश तो कर रही हूँ, हर वक्त उनको गुस्सा दिलाती रहती हूँ, पता नहीं लगता है एक ही दफा फटेंगे। बस मम्मी, महर की बकिया रकम हाथ में ले लूँ ना तो तलाक की भी परवाह नहीं है मुझे। नहीं भाई, तलाक के कागजात लेकर आना, वरना कौन कोर्ट कचहरियों को भुगतता फिरेगा? हमने कौन से यहाँ रहना मम्मी, हम वापस चले जाएंगे। वाकई मारो, इतने दिन साथ रहने के बावजूद भी तुम्हें अमार भाई से मोहब्बत नहीं आई? शिजा, क्या वो शख्स मोहब्बत के लायक है जिसने अपनी उस बीवी को छोड़ा जो मासूम थी, सच्ची थी, जो इन लालची लोगों का जुल्म चुपचाप बर्दाश्त कर रही थी? तुम रुखसार की तारीफ कर रही हो? हाँ क्यों नहीं, मैं जानती हूँ वो ऐसी थी। फिर भी तुमने उसका घर बर्बाद कर दिया, उसका शौहर भी छीन लिया उससे। अच्छा है उस शख्स से उसकी जान छूट गई, अमार ने उसको दुखों के सिवा दिया ही क्या? हाँ ये तो है, मुझे भी बहुत तरस आता है उन पे। खैर, तरस खाने की कोई जरूरत नहीं, इस दुनिया में कोई ना कोई तो अच्छा शख्स होगा ना उसके लिए, और मेरे लिए तो पूरी दुनिया खुली पड़ी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे सिर्फ एक इशारे के मुंतजर हैं।
कहाँ गई थी? सवाल जवाब में ना लग जाना प्लीज। यू नो मैं तुम्हें लेने गया था तुम्हारी मम्मी के घर, फिर वहां गया तो पता चला कि तुम्हारा कोई कजन तुम्हें और तुम्हारी छोटी बहन को बाहर डिनर पर लेके गया है। ये अचानक तुम्हारा नया कजन कौन सा आ गया? हाँ तुम उसे नहीं जानते, कल लाहौर से आए। अच्छा अच्छा अच्छा, और आते ही उसने सोचा कि सबसे पहले तुम्हें और तुम्हारी बहन को बाहर डिनर पे ले जाए, राइट? हाँ मार, कल ही आया है, कराची में घूमने आया है, फारिग है, ऑफ कोर्स ही इज माय कजन, इट्स नॉट अ बिग डील। आई एम श्योर फारिग है, इट्स नॉट अ बिग डील। इट इज अ बिग डील क्योंकि तुम्हें मुझे बताकर जाना चाहिए था, तुमसे पूछना चाहिए। मैं तुम्हें तुम्हारी मुलाजमा लगती हूँ कि मैं कहीं भी जाने से पहले तुमसे पूछूं? Don't get confused। नहीं पूछती मैं। किसी गैर आदमी के साथ बाहर जाने से पहले तुम्हें मुझसे पूछना ही पड़ेगा। अमार वो गैर आदमी नहीं, वो मेरा कजन है और मैं तुम्हारा शौहर हूँ, इस बात को याद रखो तो बेहतर है। याद रखूंगी। उठो फैजी, फैजी उठो। क्या हुआ? क्या हुआ? जाओ जाके मामा को बुलाओ जल्दी। हाँ हाँ बुला रहा हूँ। मुबारक हो आपका बेटा। मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक। घर जाओ, ये खुशखबरी होने से। मगर मामू वो तो नाराज है मुझसे। अरे बेटा ये खुशखबरी सुनते ही उनकी नाराजगी खत्म हो जाएगी, तुम जाओ। ठीक ही कह रहा है, खामखा में जाएगा तो दुख होगा इसे, इसे तो बेहतर है ना ही जाए। तुम अपने मशवरे अपने पास रखो, कब तक अपनी फैमिली से दूर रहेगा? ठीक है जैसे आपकी मर्जी। मैं जानती हूँ ना शमसा को, वो जिद की कितनी पक्की है, खुद ही मायूस वापस आएगा। सारी जिदें टूट जाती हैं जब इंसान अपनी औलाद की खबर सुन। बेटा तुम कल सुबह उठ के चले जाओ, ठीक है? ठीक है मैम। इसकी शक्ल मुझसे कितनी मिलती है? हाँ शुक्र है तुमने इसे अपने अब्बू से नहीं मिलाया। अरे तो इसमें क्या बुराई है, इस उम्र में भी कितने ग्रेसफुल हैं। मामा बता रही थी कि तुम उन्हें खुशखबरी सुनाने जा रहे थे। हाँ हाँ सुनाऊंगा, क्यों सुनानी नहीं चाहिए? तो घर जाने की क्या जरूरत है, खुशखबरी तो फोन पर भी सुनाई जा सकती है। इतनी बड़ी खुशखबरी, मैं उन्हें फोन पे सुना दूं? ठीक ही तो कह रही है सारा, उन लोगों ने तुम्हें घर से निकाल दिया और तुम भागे वहीं जा रहे हो। मामी वो मेरे माँ बाप है, एक खबर सुन के वो खुश होंगे। ठीक है भाई जैसे तुम्हारी मर्जी, किसी को कितना भी अपने पास रख लो, घुटना हमेशा पेट के आगे ही झुकता है। जाने दे मामा, हम भी देखते हैं कितनी आवभगत होती है। चलो खाओ। मामा
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप और सारा कैसे हैं? ठीक है, मजे में। हम लोगों से जुदा होकर आप ठीक हैं, मजे में हैं? तुम लोग क्या समझते थे अपनी जिंदगी से मुझे निकाल दोगे तो मैं मर जाऊंगा? कोई ऐसा नहीं समझता। आज तो हम गए थे आपके जाने के बाद, खासकर अम्मी। अम्मी? आप आए। तुम क्यों आए हो यहाँ? एक अच्छी खबर सुनाने आया। बेटा हुआ है। हमारा तुमसे और तुम्हारे बच्चे से कोई लेना देना नहीं है, समझे? आप उससे मिलने नहीं चलेंगे? जब हमारा तुमसे कोई ताल्लुक ही नहीं है तो हम उसे देखने क्यों जाएं? और मियां वो भी नहीं जाएंगे? इसका मतलब है गलत आया मैं यहां। गलत कहा था मामू ने मुझे यहां आने के लिए। तो मतलब ये हुआ कि आप यहां किसी दूसरे के कहने पर तशरीफ लाए हैं? जी नहीं, मैं जानता था आप लोग नहीं माने, अपनी जिद के आगे मेरी खुशी को अहमियत नहीं देंगे। तो फिर यहां मेरे घर में खड़े क्या कर रहे हो? निकल जाओ यहां। आई से गेट लॉस्ट। अबू, अबू रोक ले फैजी को। फैजी जाने दो। सही, ये क्या किया आपने? मैंने जो कुछ किया है बिल्कुल ठीक किया है, अब हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, समझे तुम? मैं जानती थी कि वो नहीं आएंगे। चलो अच्छा हुआ। तुम्हारे दिल में ये बात तो नहीं है कि तुमने उन्हें इत्तला नहीं दी? अब वो लोग नहीं आए तो उनकी मर्जी। मामी ऐसी बात नहीं है, अबू सख्त नाराज है मगर मम्मी और रुखसार तो आना चाहते हैं। वो दोनों भी कम नहीं है। अच्छा छोड़ो, तुम परेशान ना हो, मैं जूस दूं तुम्हें डालकर? नहीं मामी, दिल नहीं कर रहा। दिल पर क्यों ले रहे हो बेटा? किसी के आने या ना आने से हमारी खुशी कोई अधूरी थोड़ी रह गई है। हाँ, किसी के ना आने से हमें कोई फर्क थोड़ी पड़ता। अमार और उसकी बीवी कौन सा आ गए? वो आज ही आएंगे बेटा, तुम्हारे माँ बाप की तरह कोई सख्त दिल किए थोड़ी बैठे हैं वो। तेवर देखे अपने मियाँ के? मुझे तो लगता है घर वालों ने अच्छा खासा भर कर भेजा इसे। हाँ तो मामा वो भी ठीक ही कह रहे हैं, अमार और मारुख को आने की फुर्सत नहीं मिली थी। अब तुम भी उसी की जबान बोलने लगी, तो इसमें गलत क्या है? आ जाएंगे, उस मारुख ने तैयार होने में देर लगाई होगी। हॉस्पिटल ही तो आना था, किसी के वलीमे में तो नहीं जाना था। मिलो बच्चो मियो बीबी। उसे यूं मायूस लौटा दिया।
जो कुछ किया है बिल्कुल ठीक किया है, और मुझे उसके साथ ऐसे ही करना चाहिए। अबू इस वक्त ये सब याद करने का वक्त नहीं है, ये उसकी पहली खुशी है, इस घर की पहली खुशी है, हमें इसमें शामिल होना चाहिए। जब वो अपनी बीवी के कहने पे घर छोड़ के गया था, उसने ख्याल रखा था हमारी खुशी का, जो हम उसकी खुशी का ख्याल रखें। अबू प्लीज इस वक्त ये सब कुछ याद ना करें, अगर हम लोग नहीं गए ना तो उसे बहुत दुख होगा। उसे इस चीज का एहसास होना चाहिए कि जब अपनों की जानिब से मायूसी मिलती तो कितना दुख होता है। अबू आप तो इतने सख्त दिल कभी नहीं थे। औलाद ने सख्त दिल बना दिया, मैं तो शायद जिंदा भी ना रहता। मारुख अब चलो भी यार, कितनी तैयारी करनी है, हॉस्पिटल जा रहे हैं हम लोग, पार्टी पे नहीं जा रहे। क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से? कोई मतलब नहीं है, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि वहां पे सब लोग नाराज हो रहे होंगे कि अभी तक हम पहुंचे नहीं। इसमें नाराज होने की क्या बात है, जा ही तो रहे। अरे यार पहले ही तुम इतनी देर से उठी हो, बाकी रही सही कसर तुम्हारी ये तैयारी पूरी कर रही है। कम ऑन लेट्स गो, वी आर लेट। तो तुम्हें मैंने रोका है, जाओ। देखो अभी झगड़ने का और गुस्सा करने का टाइम नहीं है। मैं नहीं जा रही। तो मैं नहीं जा रही, मैंने कहा ना आप छोटी छोटी बात पे इतना गुस्सा नहीं करते। मैं गुस्सा करती हूँ। नहीं तो क्या मैं गुस्सा कर रहा हूँ? मैं मम्मी के यहाँ जा रही हूँ, तुम्हारी बहन ने वैसे भी यही आना है, मिल लूंगी। मेरी बात सुनो। नहीं सुन रहा मैंने, और छोड़ो मेरा हाथ। बात सुनो बस। मैं कह दिया ना मैंने नहीं जाना। वहां पे सब लोग पूछेंगे तुम्हारा। उनसे कह देना कि मेरे पास कोई फालतू वक्त नहीं है, और आइंदा इंसिस्ट मत करना, समझे? मारो। वहां ना जाकर अफसरदा हैं आप? नहीं, अफसरदा भला क्यों होंगे? इसमें उस मासूम का क्या कसूर अम्मी, जिसको हम देखने तक नहीं गए एक नजर? कभी नसीब में हुआ तो देख भी लेंगे। मुझे लगता है कि मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से नहीं, मेरा सारा मान मिट्टी में मिला दिया उसने। क्या नहीं किया था मैंने उसके लिए, सब कुछ भुला के बीवी के साथ चला गया उस घर में जहां उसकी बहन पे इल्जाम लगाया गया। उसने वही किया अम्मी जो उसने मुनासिब समझा। भाई था, मुंह बंद कर सकता था वो उनके, लेकिन बीवी का गुलाम होके रह गया। जाने ये माएं अपने बेटों की पैदाइश पे इतना खुश क्यों होती, इतना गुरूर क्यों करती है उनकी पैदाइश पे? सालों पालने वाली माँ को एक मिनट में छोड़ के चले जाते, जैसे कोई ताल्लुक ही नहीं। छोड़े ना अम्मी, भूल जाए सब कुछ। इस वक्त उस बच्चे को आपकी दुआओं की जरूरत है। अब अब्बू को मना लें प्लीज। नहीं मानेंगे वो, मैंने सारी जिंदगी उनके चेहरे पे ऐसी सख्ती नहीं देखी, कभी किसी मामले में वो नहीं बोले, लेकिन अब उन्हें समझाना नामुमकिन है। मिल गई तुम्हें फुर्सत? जी बस जैसे ही उठा सीधा यहीं आया। अच्छा, दो बजे उठने लगे हो?
छोड़े ना। ये बताएं वो छोटू कहाँ है? नर्स लेकर गई है उसे नहलाने के लिए। अच्छा, तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक है। मारुख नहीं आई? नहीं, वो उसकी तबीयत थोड़ी खराब थी तो उसको उसकी मामा की तरफ छोड़ के आया। यहाँ आने के ख्याल से उसकी तबीयत खराब हो गई। क्या मतलब? मतलब ये कि उसके सारे बहाने यहाँ ना आने के। उसे क्या फर्क पड़ता है हमारी खुशी हो या गम? अगर अब उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो क्या करता? घसीट के ले आता उसको यहाँ पे? मत मारी गई थी हमारी जो इस लड़की की बातों में आओ। यार ऐसा क्या कर दिया है उसने? अब ये भी पूछने की गुंजाइश है क्या? देखिए, मिलने नहीं आई ना, आ जाएगी। और तुम्हें यहाँ से सीधा घर ही जाना है ना, तो वहां पे मिल लेंगे। तो फिर तुम्हें क्या जरूरत थी आने की? तुम भी हमसे घर में मिल लेते। बेवकूफ था मैं, गलती हो गई कि आ गया यहाँ पर। दिमाग खराब है तुम्हारा? जैसे तुम्हारी बीवी बोलती है वैसी बातें करने लगे हो तुम भी। तो क्या करूं मैं, उसके साथ होता हूँ तो 24 घंटे वो बोलती रहती है, आपके पास आता हूँ तो आप लोगों के ताने शुरू हो जाते हैं। करूं तो क्या करूं मैं? वैसे माँ, तुमने ठीक नहीं किया। क्या ठीक नहीं किया? रुखसार को छोड़कर। अस्सलाम वालेकुम जहीर भाई, रुखसार बात कर रही हूँ। कैसी हो? जी मैं ठीक हूँ। मामी हैं? हाँ हैं। रुखसार, क्या तुम अपने फैसले पर नजरसानी नहीं कर सकती? आप मेरा इंतजार मत करें, कोई भी अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर लें। कर लूंगा, वो अच्छी लड़की राजी तो? आप नहीं समझेंगे। तुम भी तो नहीं समझते। एक ही बात को बार बार करके थकते नहीं हैं आप? जिस दिन थक गया समझ लो उस दिन तुम्हारी ख्वाहिश से 10 बार ज्यादा। छोड़ो ये बातें, ये बताओ आगे का क्या सोचा? सोच रही हूँ कि एडमिशन ले लूँ। तो अच्छा सोचा तुमने। इफ यू नीड एनी हेल्प यू कैन ऑलवेज टेल मी। शुक्रिया। मामी को बुला दें, मुझे उनको एक खबर सुनानी है। कैसी खबर? जैसे ही रुखसार ने मुझे बताया मुझसे तो रहा ही नहीं गया। मैंने जहीर से कहा कि मुझे फौरन अपने पप्पो के घर लेके चलो, मुझे मुबारकबाद देनी है। मैं तुम्हें खुद इत्तला देती मगर मैंने मना कर दिया। जब उन लोगों से हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है तो कहाँ की खुशी और कैसी इत्तला? ये आप कह रहे हैं? आज से पहले तो मैंने कभी आपको इतने गुस्से में नहीं देखा। मैं भी इंसान हूँ जमीला, मेरा भी दिल दुखता है, मुझे भी गुस्सा आता है। लेकिन भाई साहब, कतअ रहमी तो अल्लाह ताला को भी सख्त नापसंद है। मैं कतअ रहमी नहीं कर रहा हूँ, वो उन लोगों के पास जाके बैठ गया है जिन्होंने हमें दुख पहुँचाया है। उनको बजाने अगर आप वहाँ जाते तो शायद वो लोग शर्मिंदा भी होते। लेकिन भाई साहब, हम लोगों को बच्चे को देखने जरूर जाना चाहिए। अगर आपने जाना है तो आप जरूर तशरीफ ले जाइए, लेकिन मेरे घर से कोई नहीं जाएगा। शमसा, ये फिरोज भाई को क्या हो गया है? इतने सख्त दिल तो वो नहीं थे। फैजी के अलग होने का दुख नहीं, अगर फैजी उन्हें खुशी खुशी अलग होने के लिए कहता तो वो उसे जाने देते। मगर फैजी उस घर में गया है जहाँ रुखसार पे इल्जाम लगे, इस बात का बहुत सदमा है। पापा जान गलत नहीं है, बात तो वो ठीक कर रहा है। शमसा, अगर तुम्हें इजाजत दो तो हम लोग बच्चे को देखें। गलत बातें तो अम्मार और भाभी ने किया ना, उसमें इस बेचारे बच्चे का तो कोई कसूर नहीं। मर्जी है तुम्हारी, बिला वजह की शर्मिंदगी होगी। कोई बात नहीं,
मैं बर्दाश्त कर लूंगी। मैं तो वो बदनसीब हूँ जो उस मासूम बच्चे का माथा भी नहीं चूम सकती। आप फिक्र नहीं करें अम्मी, मैं अब्बू को मना लूंगी और हम सब मिलकर जाएंगे। मैं नहीं जाऊंगी वहां। फैज को वहां रहना मुबारक हो। नहीं शम साहब, तुम पहले मुझे वहां जाने दो, मैं जाके देखती हूँ कि उन लोगों का रवैया कैसा है। बहुत बड़ा दिल और हौसला है तुम्हारा। तुम्हारी तरफ से मैं बच्चे को बहुत प्यार करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हॉस्पिटल से आ रहे हो? जी नहीं, काम से गया था। घर वालों की तला दी? जी सुबह में। उन्होंने आने से इनकार कर दिया? कोई बात नहीं बेटा, दो तीन दिन में ये दूरी खत्म हो जाएगी। नहीं मामा, अबू ने आने से साफ इनकार कर दिया, मुझे नहीं लगता वो मानेंगे। बेटा तुम्हें उन्हें इस तरह अकेला छोड़कर नहीं आना चाहिए था। मेरे कहने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि मैं तुम्हें अपने घर में रखना नहीं चाहता, बल्कि मैं तो ये चाहता हूं कि बेटी अपने ही घर में अच्छी लगती। ठीक कह रहे हैं आप, सारा वापस आ जाए तो मैं बात करता हूं उससे। अच्छी बात, इस तरह तुम्हारे बाप का गुस्सा भी खत्म हो जाएगा। सारा बेटी को हॉस्पिटल से छुट्टी कब मिल रही? कल शाम को। अरे लो। अरे नहीं। लो। आया नहीं अभी तक तुम्हारा नाम उन्हें हाथ शोहर? बस आते ही होगा दुम हिलाते हुए। तुम्हें शर्म नहीं आती अपने शोहर के बारे में इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हुए? तुम्हें शर्म नहीं आती बड़ी बहन से ऐसे बात करते हुए? उसकी हैसियत का पता तुम्हें? शिजा तुम कुछ ज्यादा नहीं बोलने लगी, और तुम जल्द से जल्द उससे जान छुड़ाओ। छुड़वा रही मम्मी, बस कुछ दिन की बात है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हो रहा है? देख नहीं रहे कि हम खाना खा रहे हैं? अजीब फजूल से सवाल था। अच्छा खैर, चलो मैं तुम्हें लेने आया। तुम्हें किसने कहा तुम लेने आओ? मैं खुद भी आ सकती हूँ। अभी कभी उठो और चलो मेरे साथ। अरे वाह, तुम मेरी बेटी पर धौंस जमा रहे हो। नहीं, मैं उसको सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि उठे और मेरे साथ घर चले, बस। मैंने तुम्हें कहा ना, मेरा इस वक्त घर जाने का कोई मूड नहीं है। तुम जाओ, मैं कल आ जाऊंगी। खड़े क्यों हो? जाओ ना, आ जाएगी मेरी बेटी जब उसका दिल चाहेगा। उसे काफी इडियट है ये, कोई और होता ना घसीटता हुआ ले जाता भी तुम्हें। इतना आसान नहीं है मामू। खाना खाओ। ये सब क्या है, चीजें क्यों फैला कर रखी हुई आपने? जिस दिन से सारा ने मुझे ये खुशखबरी सुनाई थी तब से मैंने ये चीजें जमा करनी शुरू कर दी थी। तो उसे भिजवा क्यों नहीं देती हैं चीजें आप? पता नहीं वो ये कबूल करेगी भी कि नहीं। तुम्हारे बाबा ने उधर ना जाके उसे मौका भी तो दे दिया। कितने सख्त लोग हैं अबू इस मामले में। कितना इंतजार था मुझे किस घर में नन्हे से बच्चे की आवाज गूंजेगी, लेकिन यहाँ तो और भी ज्यादा सन्नाटा बढ़ गया। क्यों फिक्र करती है अम्मी, इंशाल्लाह
भाई के बच्चे की आवाजें जरूर गूंजेंगी इस घर में। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो